महिला हॉकी टीम टोक्यो से आने के बाद आज मेरे कार्यालय में आई, मैं इनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। बहुत बड़ी बात होती है जब कोई टीम, जहां कोई खिलाड़ी देश को ओलंपिक में जाके रिप्रेजेंट करता है। हजारों खिलाड़ियों की ख्वाहिश होती है कि हम एक बार ओलंपिक को जाकर हाथ लगा लें। जीत हार खेल में कोई महत्व नहीं रखती है, महत्व इस बात का होता है कि कितने दमखम के साथ खिलाड़ी ने अपना प्रदर्शन किया। और मैंने इनके तीनों मैच देखे हैं और तीनों मैचों में इन्होंने पूरे दम के साथ, टेक्निक के साथ, साइंटिफिक सूझबूझ के साथ इन्होंने अपने मैच खेले। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, पर आज भी सारा देश वो झांसी की रानी को नतमस्तक होता है। मेडल नहीं आ पाया, कोई बात नहीं, लेकिन सारे देश को, चाहे वो किसी प्रदेश का, किसी प्रांत का, किसी भाषा का, किसी धर्म का, किसी जाति का हो, इन्होंने सारे देश को एक कर दिया। सब जुड़ गए खेल के साथ, लोग टेलीविजन के आगे से हटे नहीं। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो रुचि दिखाई एक एक खिलाड़ी में, हमारी हॉकी की खिलाड़ी को अगर चोट लग गई तो उससे भी फोन करके उन्होंने पूछा। ये जो प्रधानमंत्री जी का इस प्रकार से खेलों के प्रति, वो तो शक्ति का स्रोत है। उनसे तो जो एक बार मिल लेता वो एनर्जाइज हो जाता है, उसमें शक्ति आ जाती है। और उन्होंने कई मैच तो देखे भी, उनका बहुत ध्यान है खेलों की तरफ। उन्होंने खेलो इंडिया भी शुरू किया है कि खिलाड़ी तैयार हों। और हरियाणा तो हमेशा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करता आया है। देश का सबसे बड़ा अवार्ड, प्रोत्साहन राशि, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले को 6 करोड़ रुपया, सरकारी नौकरी और प्लॉट हम देते हैं। सिल्वर मेडल जीतने वाले को 4 करोड़ रुपया, एक प्लॉट और नौकरी हम देते हैं। और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले को 2.5 करोड़ रुपया, एक प्लॉट और नौकरी हम देते हैं। ये हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश से सबसे ज्यादा प्रोत्साहन राशि है। और इन बच्चियों को मैं मुख्यमंत्री जी का भी आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने इनको निरुत्साहित नहीं होने दिया। उन्होंने इनके लिए 50-50 लाख रुपया देने की घोषणा की है। इन्होंने अपनी कुछ मांगे रखी हैं, मैं मुख्यमंत्री मंत्री जी के सामने रखूंगा,
और मैं एक अच्छा वकील हूँ, मैं इनकी पैरवी करूँगा और इनकी वो मांगे भी मैं पूरी करवाऊँगा।